हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्लास 10th की बहुपद की अगली एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे, जिसमें इस प्रकार के प्रश्न है कि बहुपद दे रखा होगा और उसके कुछ शून्यक दे रखे होंगे और अन्य शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। यानी एक बहुपद होगा, उसके कुछ शून्य दे रखे होंगे और अन्य शून्य ज्ञात करने होंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छा सा समझें, इसका अच्छा सा अभ्यास करें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बहुपद। बहुपद की अगली एक्सरसाइज में हमें प्रश्न मिलता है, एक बहुपद इस तरह से बहुपद दे रखा होगा, उसके शून्य यहाँ पर जो दे है अंडर रूट टू और माइनस रूट टू दे रखा है, तो अन्य सभी शून्य ज्ञात करो। यहाँ पर जो ये बहुपद दे रखा है, ये बहुपद 2x की पावर 4 -3x³ -3x² +6x - 2, ये बहुपद दे रखा है, जिसको अपन fx भी बोलते हैं। तो ये जो बहुपद दे रखा है, इस बहुपद के शून्य दे रखे हैं, एक √2 दे रखा और दूसरा दे रखा माइनस का √2, और हमें क्या करना, अन्य सभी शून्य ज्ञात करने। तो अब हमें पहले ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि जो बहुपद, बहुपद की घात कैसे डिसाइड होती है। तो जो बहुपद में सबसे बड़ी घात वाला जो पद होता है, उसी के अकॉर्डिंग बहुपद की घात होती है। जैसे यहाँ x की घात 4 है, तो इसका मतलब इस बहुपद, ये 4 घात वाला बहुपद है। तो जितनी घात वाला बहुपद होगा, शून्यकों की संख्या भी उतनी होगी। तो यहाँ 4 घात वाला बहुपद है, तो इसका मतलब ये 2 शून्य दे रखे, तो अन्य 2 शून्य और हैं, यानी कि 2 शून्य तो दिए हुए हैं, 2 अन्य शून्य आपको ज्ञात करने हैं। यदि ये बहुपद 3 घात का होता, यानी 4 घात वाला पद नहीं होता, 3 घात से शुरू होता, तो इसका मतलब इसमें शून्य की संख्या 3 होगी। अगर उसमें 2 शून्य दे रखे, तो 1 शून्य को और ज्ञात करना पड़ेगा। जिस बहुपद में घात 2 होती, वहां पर शून्यकों की संख्या 2 होती, और जिस बहुपद में घात 1 होती, वहां शून्यकों की संख्या 1 होगी, और जिस बहुपद की घात 0 होती, 0 होती, वहां कोई शून्य नहीं होता है। तो हम शुरू करते हैं कि इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहले बात जो है, हमें ये ध्यान रखना है कि जो शून्य दे रखे होते हैं, जो शून्य दिए हुए हैं, वो शून्य है क्या, वो है √2 और दूसरा शून्य के माइनस का √2। ये जो शून्य होते हैं, वो किसकी वैल्यू होती है, एक तरह से एक्स की वैल्यू होती है। एक्स का इक्वल्स टू √2 और दूसरा हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू -√2। ये अपने पास एक्स की 2 वैल्यू है, यानी इसमें जो एक्स की वैल्यू √2 और माइनस का √2, तो एक्स की जो वैल्यू बनती, उसी यानी जो शून्य दे रखा होता है, वो शून्य एक्स की वैल्यू होती है एक्स बराबर। तो हमें इस शून्य से क्या करना पड़ेगा, एक गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। शून्य से गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे ये x बराबर √2 है, तो ये अगर इस पक्षांतर करेंगे, तो ये x -√2 हो जाएगा। यानी पहला जो इस प्रकार बनेगा और दूसरा -√2 है, तो ये पक्षांतर होके इधर आएगा, क्या बन जाएगा, x+√2। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो शून्य प्लस में वैल्यू है, वो एक्स के साथ माइनस में लिखा जाता है, और माइनस का जो वैल्यू है, वो एक्स के साथ प्लस में लिखा जाता है। और इसको गुणा करने से जो प्राप्त होगा, वो गुणनखंड होगा। किसका गुणनखंड होगा, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, यानी उस गुणनखंड का उस बहुपद में पूरा पूरा भाग जाएगा। अब यहाँ पर जो स्थिति आती है, देखो ये आपके हो गए ए माइनस बी, इसी तरह ये हो गया ए प्लस बी, यानी ये ए की तरह ट्रीट करेगा और ये बी की तरह ट्रीट करेगा। ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ पर ए कौन है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और बी कौन है, √2, √2 का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। ये जो बना है, ये अपना एक गुणनखंड हो गया। किसका एक गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का। तो सबसे पहले दिए गए बहुपद का हमने क्या प्राप्त कर लिया, गुणनखंड। कैसे प्राप्त करते हैं, दिए गए शून्यकों के जो मान है, वो एक्स के साथ विपरीत चिन्ह से लिखने और उनको गुणा कर देना। मान लो यहाँ पर एक ही शून्य होता, तो यही वाला जो ये पहला पद है, यही वाला जो है, वो एक गुणनखंड बनता। किसका, इस बहुपद का।
अगर दो शून्य दे रखे तो दोनों शून्य जो भी चिन्ह है उस चिन्ह के उल्टे चिन्ह के साथ किसके साथ लिखना है, एक्स के साथ, और फिर जो भी पद बनते हैं उनको परस्पर गुणा करने से जो राशि बनती है वही गुणनखंड होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि 2x^4 − 3x³ − 3x² + 6x − 2, ये जो बहुपद दे रखा था, इस बहुपद का x² − 2 एक क्या है, एक गुणनखंड है। यानी हमें सबसे पहले दिए गए शून्य को से क्या ज्ञात करना है, एक गुणनखंड ज्ञात करना है। ये तो आपका बहुपद है और ये इसका एक गुणनखंड है। जो गुणनखंड होता है उसका बहुपद में हम लगा देंगे भाग, तो यहाँ पर भाग की क्रिया करते हैं। किसमें भाग लगाएंगे, दिए गए बहुपद में। बहुपद है 2x^4 − 3x³ − 3x² + 6x − 2, भाग लगेगा आपके x² − 2 टाइम 2 का, ये जो गुणनखंड है वो भाजक बनेगा। तो हमें भाग लगाते समय ये ध्यान रखना कि इसका प्रथम पद और इसका प्रथम पद देखना। यहाँ पर x^4 है या x^2, यानी एक तो 2 की कमी है और 1 पावर 4 के लिए हमें इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, पावर 2 से, यानी 2x² से गुणा करना पड़ेगा। तो 2x² को 2 का 2 हो जाएगा और x^2 और स्क्वायर, यानी x^2 और 2 गुणा करने पर कितनी घात आ जाएगी, जुड़ करके 4। फिर 2x² को -2 से गुणा करना है, तो -2 × 2 = 4 हो गया, 4x², जो कि आपको x² के पद के नीचे लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4x², ये आपके गुणा आ गया। और भाग की क्रिया में कौन सा काम करते हैं, घटाने का, तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो ये प्लस चिन्ह है, इसका विपरीत चिन्ह हो जाएगा माइनस, और माइनस का विपरीत चिन्ह होता है प्लस। ये 2x^4 − 2x^4 बराबर राशियां विपरीत चिन्ह से कट जाएगी। सबसे पहले बड़ी घात को लिख लेते हैं ऊपर से, −3x³, फिर इसका देखो ये प्लस का 4x² हो गया, ये माइनस का 3x² है। प्लस के 4x² में से माइनस का 3x² घटेगा तो प्लस का कितना बचेगा, x² बचेगा। ऊपर अपने पास क्या बचा हुआ था, 6x − 2, ये भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर है −3x³ और यहाँ है x², तो एक तो −3 नहीं है तो ये हो गया −3 आ जाएगा, यानी इस भाग का अगला पद। x^2 है या 3 है, तो 2 और 3 में कितनी पावर का अंतर हुआ, 1 पावर का, यानी x की 1 पावर को अगर इससे गुणा करेंगे तो 3 पावर हो जाएगी, यानी 3x लेंगे। −3x का x² से गुणा करते तो −3 आएगा, x की 1 घात और 2 घात का गुणा होगा तो घातें जुड़ करके कितनी हो जाएगी, 3। फिर देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 3 × 6x, तो प्लस का 6x आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि 1 घात का पद है तो 1 घात के नीचे लिखेंगे। अब घटाने का काम करते हैं तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, बराबर राशियां विपरीत चिन्ह से कट जाएगी, ये भी बराबर राशियां विपरीत चिन्ह से कट जाएगी। कैसे, ये प्लस का 6x है, ये माइनस का 6x, बचा क्या, x² ऊपर से और माइनस का 2। यहाँ पर ये राशियां सेम है, इसका मतलब इस x² − 2 में इसका भाग कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, तो 1 से इंटू करेंगे तो x² हो जाएगा, और 1 का 2 से करेंगे तो −2 हो जाएगा। ये विपरीत चिन्ह कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बराबर राशियां विपरीत चिन्ह, बराबर राशियां विपरीत चिन्ह, कट गया 0, अपना भाग पूरा हो गया। यानी दिए गए गुणनखंड का बहुपद में पूरा पूरा भाग जाता, और भागफल जो प्राप्त हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ ये दूसरा गुणनखंड है। ये दूसरा गुणनखंड क्या इसे लेते हैं, इसलिए उसी बहुपद का दूसरा जो गुणनखंड आया है वो क्या आया है, जो भागफल का उत्तर 2x² − 3x + 1 ये आया। ये बहुपद 2 घात वाला, इसका मतलब इसमें से 2 शून्य निकलेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, आपको बता त्रिपद कैसे सॉल्व करते हैं, 2x² − 3x + 1 वही तरीका है। पहले x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करते तो कितना आता, 2। अंतिम पद यानी अचर पद का चिन्ह कौन सा है, प्लस। x का गुणांक कितना है, 3। यानी आपको काम करना है कि 2 के ऐसे टुकड़े करने, जोड़ने पर 3 आवे, 2 एकम 2, 2 और 1,
यानी टुकड़े क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे, दो और एक। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, टू एक्स स्क्वायर जोड़ना है तो माइनस का 2x हो जाएगा, दो और एक यानी कि एक यानी कि x प्लस वन, दो दो में कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन बन रहा, 2x, दो में दो का भाग गया एक्स स्क्वायर में x का भाग x बार, और 2x पूरा ही बाहर आया तो कॉमन क्या बच गया, वन। इसी तरह यहाँ पर माइनस क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन कॉमन आ जाएगा, तो एक्स प्लस माइनस माइनस वन। यहाँ माइनस अगर कॉमन आता है और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये बदलेगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो पद हो गए, और इन दोनों पदों में कौन सी ब्रैकेट कॉमन है, एक्स माइनस वन की, बचेगी क्या, टू एक्स माइनस वन बच जाएगा। अब ये जो जो लास्ट वाले खंड आए हैं ये गुणन खंड है, इन गुणन खंड को शून्य ज्ञात करने के लिए जीरो के बराबर करना पड़ेगा। जैसे एक आया एक्स माइनस वन, इसको जीरो के बराबर कर लेते हैं, और दूसरा आया 2x माइनस वन, इसको भी जीरो के बराबर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो गया, प्लस का वन। इसी तरह इसमें देखो 2x माइनस वन उधर गया तो प्लस का वन, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन टू, ये दो का इसमें भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, x बराबर वन और x बराबर एक बट्टा दो। तो हम कह सकते हैं अन्य सभी शून्य कितने हो गए, एक, और दूसरा शून्य आ गया एक बट्टा दो। तो इस तरह से ये ध्यान रखना आपको क्या करना है कि जब भी कोई बहुपद दे और उसके शून्य दे तो हमें सबसे पहले दिए गए शून्य से गुणनखंड प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करना है, एक के साथ शून्य का विपरीत चिन्ह लिखे के दोनों में, जो प्लस का माइनस लिखेंगे माइनस वाले प्लस लिखेंगे, उन दोनों का इंटू कर देंगे। इंटू यानी गुणा करने से जो प्राप्त होगा वही गुणनखंड होगा, और जो गुणनखंड प्राप्त होगा उसका बहुपद में हम क्या लगा देंगे, भाग। भाग लगाने से जो भागफल प्राप्त होगा वही अपना दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। और उस दूसरे गुणनखंड के हमें और गुणनखंड करने पड़ेंगे, और गुणनखंड प्राप्त करने से जो राशि आती है उसके प्रत्येक भाग को जीरो को बराबर रखेंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। जीरो के बराबर रखने से जो भी एक्स की मान आएगी वही शून्य होगी। इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं ताकि आपका डाउट कोई हो तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न है वो भी अच्छा है, बहुपद एक्स की पावर फोर माइनस थ्री सिक्स एक्स क्यूब माइनस 26x स्क्वायर 138x माइनस 35, ये आपका बहुपद है, और इस बहुपद के जो शून्य है वो ये दे रखे हैं 2 प्लस माइनस रूट 3। तो हम यहाँ पहले शून्य की बात करते हैं, शून्य दे रखा 2 प्लस माइनस रूट 3, इसका मतलब ये हुआ कि x की एक वैल्यू जो है वो तो बनेगी 2 प्लस रूट 2 रूट 3, और x की दूसरी वैल्यू बनेगी 2 माइनस रूट 3। कैसे, देखो ये प्लस माइनस है तो 2 प्लस रूट 3 एक हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, यानी प्लस माइनस साथ में दे रखा, एक हो गया x प्लस रूट 3 और दूसरा हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, तो x की दूसरी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस रूट 3। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है इसका, किसका, बहुपद का। वो गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, अभी बताया था कि x के साथ जो वैल्यू प्लस में दे रखी उसको विपरीत चिन्ह से लिखना है, तो यहाँ विपरीत चिन्ह से माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा। दूसरी राशि को इसको भी विपरीत चिन्ह से लिखना है तो दो के आगे माइनस लग जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं एक्स माइनस टू, इसमें भी एक्स माइनस टू, इधर रूट थ्री और इधर रूट थ्री, तो इस राशि को यदि हम ए मानते हैं और इस राशि को बी, इधर भी ये ए और बी, तो ये क्या बन गया, देखो ए माइनस बी और ये बन जाता है ए प्लस बी, वही सूत्र बनता है यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, एक्स माइनस टू ये ए था, ए का स्क्वायर हो जाएगा, रूट थ्री ये क्या था, बी, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, कैसे खोलेगा, ए स्क्वायर 2x का दुगुना 4x और 2 का स्क्वायर 2 दुनी 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बनेगा 3, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस का 4x और 4 में से माइनस 3 हो गया तो 1। ये जो प्राप्त हुआ ये हमारा एक गुणनखंड है, किसका? इस दिए गए बहुपद का। हमें यही तो सीखना है कि दिए गए शून्य को, जो भी शून्य दे रखा है उसको x के साथ उल्टे चिन्ह से लिखेंगे, प्लस वाले को माइनस में लिखना, माइनस वाले को प्लस में लिखना, फिर दोनों का गुणा कर देना। गुणा करने से जो भी बहुपद प्राप्त होगा, जो भी बहुपद प्राप्त होगा वो एक गुणनखंड होगा, किसका? दिए गए बहुपद का। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 का ये गुणनखंड क्या होगा? एक गुणनखंड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, और गुणनखंड है इसलिए हम क्या करेंगे? भाग की क्रिया करेंगे। कौन सी क्रिया करेंगे? भाग। x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। भाग किसका लगाएंगे? जो एक गुणनखंड आया, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का। तो कैसे लग गएगा भाग? कोई पावर देखना, पहले पद को तुलना करनी, ये x की 4 घात है और यहाँ x की 2 घात है, यानी अपना भाग जो जाएगा वो x की 2 घात बार जाएगा। x की 2 घात को x की 2 घात से गुणा करते हैं तो x की 2 और 2 4 घात हो जाती है। फिर x की 2 घात को इस पद से करेंगे तो 3 घात हो जाएगी, लेकिन माइनस 4। x की कितनी घात हो जाएगी? 3। 2 घात और 1 घात का गुणा, 2 और 1 जुड़ करके 3 हो जाता है। फिर x स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 1 ही बनेगा x स्क्वायर। भाग में कौन सी क्रिया करते हैं? घटाने की। घटाने में क्या होता है? चिन्ह बदलना पड़ता, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस या प्लस का माइनस। ये सेम राशियां विपरीत चिन्ह से कैंसिल हो जाएगी। अब इसका हिसाब करते हैं। माइनस का 6x क्यूब, ये माइनस के 6 है प्लस के 4 है, तो माइनस 6 से प्लस के 4 के, तो माइनस के 2x क्यूब बचेगा। ये दोनों राशियां माइनस की है, 26 और 1 कितना हो गया? माइनस के 27x स्क्वायर हो गया। माइनस दोनों राशि एक ही चिन्ह की होती, जुड़ दी। इधर पीछे 138x है और माइनस का 35। अब दूसरे पद की तुलना करते हैं, देखो x स्क्वायर है, यहाँ x की 3 घात, यानी एक घात की कमी है, और माइनस 2 भी चाहिएगा, यानी माइनस 2 और x, माइनस 2 तो माइनस 2 आ जाएगा। x की एक घात का 2 घात से गुणा होगा तो एक घात और 2 घात जुड़ करके कितनी घात हो जाएगी? 3 घात हो जाएगी। इसी तरह माइनस 2x का माइनस 4x से गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस से क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और 4 दुनी कितना हो गया? 8, और x की कितनी घात हो जाएगी? 2। कैसे होगी? एक घात ये और एक घात ये गुणा होगी तो एक और एक 2 घात हो जाएगी। माइनस 2x का गुणा 2x का गुणा प्लस के 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब वही घटाने की क्रिया में चिन्ह बदलते हैं तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। समान राशियां विपरीत चिन्ह से कट जाएगी, ये दोनों माइनस की तो जुड़ेगी, तो माइनस के 27 और 8 कितने हो गए? 35x स्क्वायर। ये दोनों प्लस के हैं, जोड़ लेते हैं, 138 और 2 कितना हो गया? 140x और माइनस का 35। अब यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन किससे गुणा करना पड़ेगा? माइनस 35 से, तो माइनस 35 का एक्स स्क्वायर से करेंगे, माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 35 का माइनस, माइनस का माइनस से गुणा हो जाता प्लस, और 35 का 4 से गुणा करेंगे कितना होगा? 140, और उसके साथ क्या आ जाएगा? x। फिर 35 का 1 से करेंगे, माइनस 35 से कम 35। चिन्ह बदलते, प्लस का माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। समान राशियां विपरीत चिन्ह, समान राशियां विपरीत चिन्ह, समान राशियां विपरीत चिन्ह, कुछ नहीं बचा, जीरो। यानी कि दिए गए गुणनखंड का बहुपद में भाग पूरा पूरा जाता है, तो भागफल का जो उत्तर आया वही अपना दूसरा गुणनखंड है। इसलिए दूसरा गुणनखंड है वो क्या बना? जो इससे भागफल प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 35। तो यहाँ पर भी वही काम करना, आपको 35 के ऐसे दो टुकड़े करने, घटाने पर 2 आवे, तो दो टुकड़े क्या होते हैं? 7, 2, 5, 35, 7 और 5 घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचता? 2। तो ये यहाँ पर गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर
बड़ा भाग माइनस का हो जाएगा और छोटा भाग प्लस का हो जाएगा। 7 में से 5 जाएगा तो -2 ही बचेगा, -35। या 4 पद बन गए, दो दो में कॉमन ले लो। क्या कॉमन आता है? एक्स, 2 घात में से 1 घात का ये 1x, x बार गया तो कितना बचेगा? 7। प्लस इन दोनों में किसका भाग जाता है? 5 का। 5 कॉमन आया गया यहाँ से x, और 5 का भाग 35 में 7 बार, 7 तो 35। इन दोनों में क्या कॉमन है? ब्रैकेट x-7। बचेगा कौन यहाँ से? x+5। ऐसी स्थिति दो खंड आ गए, ये गुणन खंड आ गए। शून्य ज्ञात करना, तो इन दोनों भागों किसके बराबर करना पड़ेगा? शून्य के। यानी x-7 की वैल्यू भी शून्य के बराबर करनी है और x+5 की वैल्यू भी शून्य के बराबर। यहाँ पर क्या बन जाएगा? x-7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। इसी तरह x+5 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5। इस प्रश्न के जो अन्य शून्य जो आए हैं, अन्य शून्य वो क्या आ गए? 7 और -5। तो ये 2 शून्य प्राप्त हो गए। इस प्रकार 2 दिए हुए शून्य थे और 2 प्राप्त हो गए, कुल कितने शून्य है? 4। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी शून्य दे, जो शून्य दिया होता है वो शून्य को जो भी चिन्ह के साथ शून्य होता है उसको एक्स के साथ विपरीत चिन्ह लिख करके गुणा करने से जो गुणनखंड प्राप्त होता है उस गुणनखंड का बहुपद में भाग लगाएंगे, और भाग लगाने से जो भागफल प्राप्त होगा वो दूसरा गुणनखंड होगा। उसके आगे गुणनखंड करने पर जो भी अंतिम खंड प्राप्त होते हैं उन अंतिम खंडों को 0 के बराबर रख करके हल करने पर अन्य शून्य प्राप्त हो जाते हैं। तो अगले टॉपिक के साथ शीघ्र ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।